एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षा अकेडमी। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। लेंथ किसी भी मान, सपोज एक रूम है उसका लेंथ दिया गया है 825 सेंटीमीटर, देन ब्रेथ है 675 मीटर उसकी चौड़ाई, एंड हाइट उसकी ऊंचाई दी गई है यहाँ पे 450 सेंटीमीटर। देन आपको फाइंड करना है, फाइंड द लॉन्गेस्ट। देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट मीन्स मैक्सिमम, ठीक है। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप है इसलिए हमने यहाँ पे टेप है इसके लिए हमने लॉन्गेस्ट यूज़ किया, अदरवाइज हम यहाँ पे मैक्सिमम ही यूज़ करते हैं क्वेश्चन वाले। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। आपको वहाँ पे डायमेंशन बताना है, मेजर करना है वो टेप का कितना ये लॉन्ग जो है टेप होगा जिससे आप मेजर करोगे तो पूरा एग्जैक्टली रूम मेजर हो जाए। सपोज आपने मेजर किया उस टेप से 8 टाइम में, सपोज ये आपका रूम है, इसने आप सपोज आपने 8 टाइम मेजर किया, जब आप 9 टाइम में मेजर करो तो उसमें आधा नहीं आना चाहिए। सपोज आपने आधे टेप से मेजर किया, ओके, पूरा कंप्लीट टेप से एग्जैक्टली मेजर हो जाना चाहिए। आपको बताना है लॉन्गेस्ट टेप कितना लॉन्ग आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज़ में लॉन्गेस्ट या मैक्सिमम इस तरह से दिखे आपको फाइंड करना हो तो देन हम फाइंड करते हैं SCF। यहाँ पे SCF फाइंड करने के लिए आपको अलग अलग जो भी नंबर्स दिए रहते हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई, हमें क्या फाइंड करना है SCF। तो 825 का यहाँ पे फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, देन यहाँ पे हम 675 एंड 450 का फाइंड हो जाएगा हमारा SCF। चेक करो 825 है ये, सबसे पहले अगर आप 2 से डिवाइड करना चाहोगे तो नहीं डिवाइड होगा, 3 से करोगे तो देखो होता है क्या, 8 एंड 2 10, 10 एंड 5 होता है 15, 15 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 825 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर आपने इस तरह से SCF फाइंड करना नहीं सीखा है तो एक्सरसाइज 3 पॉइंट्स में जाओ, यहाँ पे प्लेलिस्ट में वहाँ पे मैंने सिखाया हुआ है अच्छे से। 3 है, 3 2 जाए 6, यहाँ पे 2 आ गया, 3 7 जाए 21 एंड 3 5 जाए 15। अब 3 से डिविजिबल नहीं होगा, देयरफॉर हम 5 से करेंगे, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25, अगेन 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 11 आ गया, 11 1 जा 11 आ गया। देन 675 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसका, 3 से डिविजिबल होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। 225 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, अगेन 3 से, 3 2 जा 6, 1 आया इसके साथ हो गया, 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा 25, देन आप किससे करोगे, 5 से, 4 से तो होने वाला नहीं है, 5 5 5 जा 25, अगेन 5 से, 5 1 जा 5। नेक्स्ट आपका है 450, ये देखो 2 से डिविजिबल होगा तो हम इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 225 आया। अब 225 2 से डिविजिबल नहीं होगा, देयरफॉर हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 7 जाए 21 एंड 3 5 जाए 15, 75 अगेन 3 से डिविजिबल होगा, आंसर आएगा आपका 3 2 जाए 6, 3 5 जाए 15, 25 आया। 25 3 से डिविजिबल नहीं है, देयरफॉर हम 5 से करेंगे, 5 5 जाए 25 एंड 5 1 जाए 5। अब आपको यहाँ पे सबको राइट कर लेना है, 825 इज इक्वल टू दिया है 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। नेक्स्ट है आपका 675 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, देन 450 इसका आप लिखो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब आपको सभी में कॉमन चेक करना है कौन कौन सा कॉमन आता है, तो देखो कहीं भी आपको 2 सिर्फ इसमें दिख रहा है बाकी दोनों में नहीं दिख रहा होगा। देन 3 पे जाओ, देखो यहाँ से एक आया, इसमें से आया एंड इसमें, सभी से सभी में 1 1 आना चाहिए, तो 3 मीन्स 1 टाइम कॉमन आ गया। सेकंड टाइम देखो 3 है क्या, इस यहाँ पे है, यहाँ पे है बट ए वाले में नहीं है 3, देयरफॉर 3 कॉमन नहीं आएगा।
देन फाइव को देखो, वन टाइम फाइव आया, सेकंड टाइम देखो एरा वन टाइम सभी में आ गया। ओके नाउ थर्ड टाइम चेक करो, देखो कोई सेकंड टाइम आता है फाइव क्या, थर्ड मतलब यहाँ पे कॉमन, तो फाइव यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और इसमें भी है, तो देखो क्या क्या आया आपका कॉमन। अगर आप इसका एच सी एफ राइट करना चाहते हो, एच सी एफ ऑफ 825, 675 एंड 450 इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे जो मैंने ग्रीन पेन से राउंड किया है इसको वन टाइम राइट कर लो, रेड पेन वाला वन टाइम राइट कर लो एंड ब्लैक पेन वाला वन टाइम राइट कर लो, तो 3 × 5 × 5, 3 × 5 = 15, 15 × 5 = आपका होता है 75। तो ये आपका एस सी एफ आ गया। अब जो हमने एस सी एफ फाइंड किया यही हमारा क्या होगा, लॉन्गेस्ट लेंथ होगा। सो The length of longest tape is equal to 75, किस में आएगा ये, सेंटीमीटर में दिया गया था, तो सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है इस एक्सरसाइज का। ओके आप एक बार फिर से देख लो। थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू एवरीवन।